इधर देखिए, इधर 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 देखिए। हाँ हम लोग का जीत है, जीत किसका है? ये बाढ़ की जनता का जीत है। बोरा में रुपया सब वापस हो गया, गद्दार को गंगा जी में डूब जाना चाहिए। ये सरपरी जनता है, मैं जनता को वचन देता हूँ, आते के साथ सबसे पहले टैक्स का जो शुद्धि लगा 2 साल का माफ करूँगा, सबसे पहले सफाई मेरा मुख रहेगा। अब कोई भी जनता से मैं अगवान करता हूँ, नगर पालिका के घर मकान पे कोई टैक्स में कोई मकान बनता है पैसा लेने जाता है, सबसे पहले उसको बंद कर। जीतने के बाद क्या प्राथमिकता रहेगी सर आपकी? बाढ़ को, बाढ़ के सबसे पहले 2-3 जो समस्या जो है जी, सबसे पहले उसका निराकरण करेंगे। क्या क्या समस्या है? पानी निकासी का है, सफाई का है, टैक्स में जो सूद लगाया गया उसको माफ करूंगा। कोरोना में घर से आदमी नहीं निकलता, सूद ही लिया गया उसको माफ कर कोशिश करूंगा। पहला वोट में लेंगे हम, पानी निकासी के लिए जल पहला नाला का होगा, और टैक्स पे जो भी हुआ है, जो भी कर्मचारी कोई मकान बनाता है जाता है पैसा लेने के लिए, अलाउंस हो गया होगा, कोई पैसा नहीं देगा। जो भी आएगा नगर पालिका में आके कहे, तुरंत कॉन्टेक्ट करे, कोई भी जाए कर्मचारी पैसा मांगने जाए, कोई गलत करने के लिए जाएगा डायरेक्ट। हर जनता का हर हफ्ते मीटिंग करूंगा, जनता के बैठ के सबसे जो समस्या सुनूंगा और सबकी कोशिश करूंगा कि बाढ़ को स्वच्छ सुंदर बनाया जाए। इसलिए मैं एकदम चुनाव जीत चुकी है, क्या क्या आपने तो बहुत सारे वादे किए, कितना खरा उतरेंगे उस पर? सब वादा पूरा होगा, खरे उतरेंगे। अभी तो सब कुछ है एकदम उलट पुलट, लेकिन सब सही होगा। अभी क्या बोले, अभी जीत के खुशी में कुछ समझ नहीं आ रहा है। विकास का जीत होगा, बस हाल में विकास का जीत हुआ है तो विकास करना ही करना है। जो बोले हम करेंगे। हाँ, ये नहीं सोचना है कि जनता को कोई चीज के लिए वो लोग कोई भी हम लोग धोखा नहीं देंगे।